आप कौन है बोलने वाली? समाज यांनी या ठिकाणी टॅक्स भरलेला असतो आणि तो टॅक्स रुपी पैशातून या ठिकाणी कामं होतात. कोणी कोणासाठी काही करत नाही. महानगरपालिकेचे जरी या ठिकाणी उपक्रम करत असले तर जनतेच्या पैशातूनच करत असतो. म्हणून जनतेच्या पैशाच्या याच्यातून झालेला हा कार्यक्रम आणि त्या कार्यक्रमाचं लोकार्पण जर लोकांनी केलेलं असेल तर त्याच्यामध्ये काही वावगं नाही आहे. इतर ठिकाणीसुद्धा त्या ठिकाणी उद्घाटन होत आहेत. मला ऐकू येत आहे की आयरूला त्या ठिकाणी उद्घाटन झालं, काही काळ दिवसापूर्वी त्या ठिकाणी वाशीला उद्घाटन झालं, नेरूळमध्ये सुद्धा उद्घाटन झाले आहेत आणि हा सुद्धा आहे. पूर्व नगर सेवक रविंद्र इथापे एवं सुरेखा इथापे के माध्यम से साइकिल ट्रैक का निर्माण किया गया है ताकि प्रभाग एवं नागरिकों की सेहत बनी रहे, जिसका शुभारंभ पूर्व महापौर सागर नाई के हाथों संपन्न हुआ. मगर इस उद्घाटन समारोह दौरान राजनीतिक पार्टी की महिला कार्यकर्ता ने पहुंचकर काफी हंगामा मचाया एवं ये भी कहा कि जब प्रशासक राज है तब उद्घाटन कैसे किया जा रहा है. विदाउट एनी परमिशन तू कौन है इधर का? तू है कौन? तू कौन है? तू है कौन? मैं दे दूंगा. पब्लिक है. मैं भी पब्लिक हूँ. तू कौन है? पब्लिक है. पब्लिक है. परमिशन करके घूमता है ना? हाँ है ना. आप कौन है? आप कौन है? आप कौन है बोलने वाली? मैं विरोध कर रही हूँ कि इनके अंडर नहीं आता है. कोई पॉलिटिशियन पार्टी के अंडर नहीं आ रहा है ये प्रॉपर्टी. ये प्रॉपर्टी आ रही है एनएमएमसी के अंडर और कमिश्नर को राइट है. अभी पब्लिक का नहीं सर. कमिश्नर का पैसा है क्या? कमिश्नर का परमिशन है क्या? कमिश्नर का परमिशन है क्या? अभी अभी नहीं. हम लोगों तुमने बनाया क्या? पब्लिक का पैसा है. कमिश्नर का पैसा है दादा. मैं क्या बोल रही हूँ? मैं भी हाथ जोड़ती हूँ. कमिश्नर का परमिशन है. आप कमिश्नर को बोलो रिबन कटाओ. हम किधर बना कर रहे हैं? बता दें कि केवल रविंद्र इथापे का वार्ड ऐसा पहला वार्ड नहीं है जहां प्रशासक राज में उद्घाटन संपन्न हुए हैं. इससे पहले भी प्रभाग क्रमांक 64 में पूर्व नगर सेविका दिव्या गायकवाड़ के माध्यम से पानी की टंकी के कार्य का शुभारंभ किया गया था. उस समय भी कुछ स्थानिक नागरिकों ने उद्घाटन स्थल पर पहुंचकर काम किस प्रकार किया जाना है इसका जवाब मांगा था. मगर उस समय उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस में शिकायत दर्ज की गई थी. एरोली में भी पूर्व नगर सेवक एम के मड़वी के माध्यम से एक ही नाट्य गृह का भूमि पूजन दो बार किया गया था. वहां तो स्वयं सांसद एवं पालक मंत्री भी मौजूद थे. अगर वहां उद्घाटन की अनुमति है तो फिर यहां क्यों नहीं? ऐसा सवाल रविंद्र इथापे ने उपस्थित किया है. इथं एक गोंधळ झाला म्हणण्यापेक्षा तो कल्पोलकल्पित गोंधळ होता. फक्त व्यक्तीच्या आत्मसंतुष्टपणाचा तो गोंधळ होता आणि तो गोंधळ झाला त्यांनी प्रयत्न केला. इतर ठिकाणीसुद्धा त्या ठिकाणी उद्घाटन होत आहेत. मला ऐकू येत आहे की आयरूला त्या ठिकाणी उद्घाटन झालं, काही काळ दिवसापूर्वी त्या ठिकाणी वाशीला उद्घाटन झालं, नेरूळमध्ये सुद्धा उद्घाटन झाले आहेत आणि हा सुद्धा आहे. समाज यांनी त्या ठिकाणी टॅक्स भरलेला असतो आणि तो टॅक्स रुपी पैशातून या ठिकाणी कामं होतात. कोणी कोणासाठी काही करत नाही. महानगरपालिकेचे जरी या ठिकाणी उपक्रम करत असले तर जनतेच्या पैशातूनच करत असतो. म्हणून जनतेच्या पैशाच्या याच्यातून झालेला हा कार्यक्रम आणि त्या कार्यक्रमाचं लोकार्पण जर लोकांनी केलेलं असेल तर त्याच्यामध्ये काही वावगं नाही आहे आणि त्यांनी ते केलं. म्हणून मी त्या लोकांचा मी या ठिकाणी अभिमान मानतो आणि त्यांचा अभिनंदन करतो. बता दे की जब ये पूरा हंगामा चल रहा था तब पुलिस भी मौजूद थी, मगर फिर भी पुलिस महिला को शांत करने में नाकाम रही एवं पुलिस ने रविंद्र इथापे एवं स्थानिक नागरिकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस के इस दोहरे भूमिका का भी रविंद्र इथापे ने निषेध व्यक्त किया. कसा है मी म्हणणार नाही चोराच्या उलट्या बोंबा, परंतु अशीच परिस्थिती म्हटलं तरी काही वावगं ठरणार नाही. आज या ठिकाणी आता जवळजवळ सागर नाईक यांच्यावरती गुन्हा दाखल झाला आहे असं मला समजलं. माझ्यावरती आहे, पत्नीवरती आहे, नेत्रा शिर्की आहे, सुरेश शेट्टी आहे, आमच्या सोसायट्यांचे सेक्रेटरीचे चेअरमन आहेत. एक तर सिनियर सिटिजन 80 वर्षाचा आहे, त्या बिचाऱ्याला तर काही माहिती नाही, त्याच्यावरती गुन्हा दाखल. म्हणजे या ठिकाणी नागरिकांनी कार्यक्रमाला उपस्थित राहणं हा काय गुन्हा आहे? हा काय गुन्हा होऊ शकतो का? त्या ठिकाणी हजारोचे मोर्चे निघतात, लाखोचे त्या ठिकाणी उपस्थितीमध्ये त्या ठिकाणी जनतेच्या सभा होत आहेत, त्या ठिकाणी काही कारवाई केली जात नाही. परंतु या ठिकाणी अशा चांगल्या उपक्रमाला खोडा घालायचा आणि
या ठिकाणी चांगल्या लोकांवरती कारवाई करायची याचा आम्ही खऱ्या अर्थानं निषेध करतो. के पोलिसांचं दुटप्पी डोरून आहे असं म्हणण्यापेक्षा त्यांनी त्या ठिकाणी ज्यांनी पहिला खोडा घातला त्यांच्यावरती त्यांनी एफआयआर दाखल केली पाहिजे, आणि त्यांनी नसेल केली तर या ठिकाणी पोलीस स्टेशनला जाणारच आहे आणि त्या ठिकाणी त्यांच्यावरती गुन्हा दाखल करण्याची भूमिका घेणारच आहे. स्थानिक नागरिकों ने भी द मेट्रो से बात करते हुए कहा कि जिस कार्य का शुभारंभ हुआ है उस काम के लिए वे कई सालों से रविंद्र इथापे के पास मांग कर रहे थे, मगर कल जो हुआ वो काफी निंदनीय होने की बात भी उन्होंने कही. मी पहले द मेट्रो चालकांचा आभार मानतो, कारण तुम्ही हा कार्यक्रमाची खास दखल घेतलीत. विशेष म्हणजे हा जो कार्यक्रम आमच्या रविंद्र इथापे साहेबांनी सायकल ट्रॅक बनवला ते खूप उत्तम काम आहे, लोकांना खूप आवडलं आणि लोक वाटच बघत होते कधी आम्हाला याच्यामध्ये चालायला मिळेल, आणि लोकांची विनंतीला मान देऊन त्यांनी हा पुढाकार घेऊन कार्य केलेलं आहे. आणि हे जे कार्य केलेलं आहे त्यांच्या पूर्ण प्रयत्नांनी आणि मेहनतीने झालेलं आहे, आणि त्यांचा पूर्ण अधिकार आहे की तो उद्घाटन करण्याचा. आणि त्यांनी जे काम केलं धाडसाने केलं धडाडीने केलं आमच्यासारखे, मी एक जागृत नागरिक भालचंद्रामध्ये त्याला पाठिंबा दिला आणि माझ्या मित्रपरिवाराने पण पाठिंबा दिला. मी पुन्हा त्यांना अनेक धन्यवाद देईन आणि अशाच कामासाठी ह्याच्या पुढे सुद्धा पाठिंबा देईन. हा त्रास देण्याचा प्रकार म्हणजे हा त्यांचा वितुष्टपणा, म्हणजे कुठला कार्यक्रम इतक्या आहेत करोना काळामध्ये सुद्धा इथे भरपूर कामं होती, पण त्यांनी त्या कार्यातनं केलं असतं तर त्यांचं नाव झालं असतं, पण तिथे काही काम नाही करायचं आणि कोण चांगलं काम करत तिथे खोडा घालायचा हे तर एक माणूस म्हणून मला ते पसंत नाहीच आहे. आता एक गुन्हे दाखल केलेले आहे ते चुकीचंच आहे, कारण सर्वसामान्य जनता ही कुठे गुन्हेगारी वृत्तीचे नाही, हा एरिया काही गुन्हेगारी वृत्तीचं पण नाही, हे सगळे सुशिक्षित कामाला जाणारे लोक आहेत, व्यापारी लोक आहेत. तर तो जे झालेला आहे त्या कोणाला आवडलेलं नाही आहे, आणि पोलिसांनी चांगली भूमिका घ्यावी, पोलीस मित्र म्हणून काम करावं, समाजामध्ये त्यांचं चांगलं स्थान निर्माण करावं ही माझी इच्छा आहे. कल का जो हुआ बहुत ही निंदनीय है. ये हम लोगों की रिक्वेस्ट पे हम लोग कम से कम 500 आदमी इस सोसाइटी के अगल बगल में, जब से वंडर्स पार्क बंद हुआ है 500 आदमी हम लोग मॉर्निंग इवनिंग वॉक करते हैं, एंड हम लोगों को बहुत ही दिक्कत थी. मेरी उम्र 70 साल की है, हम लोग को बहुत दिक्कत थी और बहुत ही ज़रूरी था हमारे लिए. रोज़ सुबह हम लोग इथापे साहब को घेर के बोलते थे कि इसको कब खुला रहे हो, कल खुला रहे, कब खुला रहे. हम लोग की जनता की मांग पे इन्होंने कल जो है वो किया है, और इसमें कोई रिबन काटना और फीता काटना इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, बल्कि और अननेसरी का पर्सनल ग्रज लेके और क्रिएट करना ये सराहनीय नहीं है, बिल्कुल सराहनीय नहीं है, बिल्कुल निंदनीय है. जो जिस महिला भद्र महिला ने किया वो उनकी बातों से लग रहा था कि उनका पर्सनल ग्रज है, उनके पर्सनल चीज़ों पे आ जाना ये तो नहीं, उनको तो समाज के लिए, बल्कि हम लोग तो अप्रिशिएट करते अगर वो भी आ जाती हैं और वो भी हम लोग का साथ देती, तो ये तो बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है. तो हम लोग तो यहाँ के, और इथापे साहब का काम यहाँ किसको नहीं मालूम है, आप काम करेंगे तो लोग आपको लाइक करेंगे ना. और ये जो भी किया इन्होंने, हम लोग को प्रेशर भी किया, रोज़ इनको हम लोग घेरते थे, रोज़ 25-30 आदमी इनको घेरते थे कि सर क्यों नहीं खुला रहे हैं, क्यों नहीं खुला रहे हैं. तो ये जनता के लिए अगर इन्होंने कुछ किया है तो इसमें क्या है, इसमें कोई वो नहीं है, इसको तो एवरीबॉडी शुड अप्रिशिएट. दिस प्रोजेक्ट दैट लास्ट सो मेनी ईयर्स Itape is doing a lot of work for this entire ward people, and we are proud of Itape, because I am telling since my congress that he is doing a lot of work for this, and on public demand he has agreed to inaugurate yesterday, but I hear that the lady has done a very wrong thing, because it is a public demand. She should not have done it, because it is benefiting the public. Then why should we should wait for this? That is why, because he has done a lot of work. We are proud about his work in this area. We are always telling to other ward people also that our ward member is doing last so many years. I know him last so many years. प्राउड ऑफ दैट बिकॉज व्हाटएवर यू हैव वर्क वी हैव डन. सबसे पहले तो हम इथापे साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इस ट्रैक को कम से कम सुबह मॉर्निंग वॉकर्स के लिए खुलवाया. हम उनको रोज़ बोलते थे कि सर खुलवा दो, क्योंकि कारण है उसका. पहले हम लोग सारे कम से कम 500 से 600 लोग हम लोग डेली वॉक करते हैं इस पूरे सर्कल में. वंडर पार्क में काम होने की वजह से वंडर पार्क को बंद कर दिया गया. अब उसके बाद ये एरिया है, इस पर RTO का टेस्टिंग ट्रैक है, ब्रेक टेस्टिंग ट्रैक. सुबह 6 बजे से ही वहाँ उनके ट्रक टेम्पो और ये सब आके लग जाते हैं स्पीड में, इधर से गाड़ियाँ आती जाती हैं. और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था. हम रोज़ इथापे साहब को सुबह बोलते थे सर ये खुलवाओ, सर ये खुलवाओ, सर ये खुलवाओ. और पब्लिक के आग्रह पर इन्होंने कल सवेरे
इन्होंने बोला कि ठीक है आप लोग आओ, सब लोग मिलके इसको खोलते हैं, यहाँ कोई बहुत बड़ा वो प्रोग्राम, लेकिन कुछ लोग अब उनका क्या है हम लोग तो नहीं जानते, हम यहाँ रहते हैं। मैडम मैं रहता हूँ बेलापुर वार्ड में, लेकिन मैं वॉक करने आता हूँ नेरुल में, कारण है क्योंकि उधर कोई ऐसी सुविधा नहीं, हम वॉक नहीं कर सकते हाईवे के ऊपर, हमको यही एरिया आना पड़ता है। और वंडर पार्क था, वंडर पार्क बंद हो जाने की वजह से हमारा, हालांकि उनको पुलिस ने भी काफ़ी उस उन मैडम को समझाया कि आपको पब्लिक बोल रही है, इतनी पब्लिक है, सिर्फ आपके एक अकेले विरोध करने की वजह से ये इतने जो 60-70 लोग यहाँ खड़े हैं उनके, लेकिन वो किसी की सुनी नहीं रहती हैं। और उनसे क्या है उनका पसंद, हम लोगों को तो लेकिन हमारे लिए ये जो काम हुआ है ये हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है। ये जो हमारा एरिया है बहुत ही सुंदर और एकदम शांत और बहुत अच्छा पीसफुल है, इतना अच्छा है कि मॉर्निंग में हम लोग जब यहाँ वॉक करने आते हैं तो अभी जो दुविधा यहाँ पे हमको मिली, जो समय अभी चल रहा था उसकी वजह से वंडर पार्क बंद हो गया था, तो हम सब हमारे वार्ड वाले जितने भी हैं मेंबर्स आसपास के लोग 500-600 लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और जो लोग यहाँ पे हमको प्रॉब्लम कर रहे थे उनके बारे में हमने इथापे साहब को बताया कि ऐसा ऐसा आपने जो ट्रैक बनाया है उसको जल्दी से जल्द चालू करिए आप, और बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है मॉर्निंग वॉक का। तो कुछ लोग जो हमारे इथापे साहब इतना अच्छा काम करते हैं, बाकी कई लोग हैं जिनको काम करना तो आता नहीं, करना भी नहीं है काम, उसके बाद भी प्रॉब्लम में डालते हैं लोग। तो कल जो यहाँ पर हुआ है वो बहुत ही बेकार और बहुत, मतलब इस एरिया के लिए समझ लिए, हमारे लिए साहब के लिए बहुत ही बेकार, पब्लिक के लिए ये संदेश था, तो उसका बहुत बड़ा खंडन हम लोग करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इतना अच्छा यहाँ पे जो कार्य किया है इथापे साहब ने, हम लोग उसकी बहुत ही अच्छी सराहना करते हैं कि इतना सुंदर, बहुत अच्छा, और हमारा एरिया जो है बहुत नाम है यहाँ का, पीसफुल शांत। तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं सर से कि बहुत अच्छा आगे बढ़ें और हम लोग को साथ लेके चलें, हम उनके साथ हैं। बाकी कोई अगर ऐसा कोई करता है गलत तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यही हमारी रिक्वेस्ट है। बता दें कि लोगों की मांग के अनुसार प्रभाग में कार्य जारी था, मगर कुछ लोगों के चलते विवाद निर्माण हो गया, मगर पुलिस ने कार्य में रोड़ा निर्माण करने वाले लोगों के खिलाफ नहीं बल्कि स्थानीय नागरिक एवं पूर्व नगर सेवक के खिलाफ ही मामला दर्ज कर दिया, जिस कारण अब पुलिस की दोहरी भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्यों पुलिस एक जगह पर कड़ा रुख अख्तियार करती है तो दूसरी जगह पर मौन धारण कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो न्यूज़।